नमस्कार, मैं शालू तोमर। आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल UP 24 न्यूज। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के राजा राम की पुलिया पर ट्रक के निकलते समय बिजली के तार ट्रक में फंस गए, जिससे वहां लगा बिजली का पोल गिर गया, जिससे घरों के बाहर लगे मीटर भी उखड़ गए। वहीं जब बिजली के तार टूटकर गिरे तो उनमें बिजली भी थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टला है। वहीं इस घटना के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। मामला थाने दक्षिण क्षेत्र के राजा राम की पुलिया के पास का है, जहां बीती रात एक ट्रक घी लेकर गल्ला मंडी जा रहा था। तभी रास्ते में नीचे की ओर लटक रहे बिजली के तार ट्रक में फंस गए, जिससे पास में लगा बिजली का पोल टूटकर ट्रक के ऊपर गिर गया। पोल टूटता देखकर ट्रक चालक और ट्रक का कंडक्टर बाहर की ओर भागे और किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। पोल के टूटने से घरों में लगे बिजली के मीटर तक उखड़ गए। मीटर उखड़ने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और घटना की खबर की सूचना थाना दक्षिण पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग के आला अफसरों को पोल टूटने की सूचना दी। वहीं देर रात्रि में पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी पोल को हटाने में लगे रहे और कई घंटों तक इस छोटी सी लापरवाही के चलते लोगों को गर्मी में परेशान होना पड़ा। वहीं एक तरफ बड़ा हादसा भी चल गया। इससे ये तो साफ है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को आम जन की जिंदगियों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी पोल टूटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल ट्रक समेत ट्रक चालक को पुलिस थाना ले जाकर पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। तो नीचे ज्यादा लटक रहे, ऐसा था, ये तार बहुत लूज थे तो वो नीचे ज्यादा लटक रहे थे, तो वो उन्होंने गाड़ी बैक में ला रहे थे अपना ट्रक को, तो उन्होंने ऊपर ध्यान नहीं दिया था तो वो तार उसमें फंस गए। और जो पोल थे वो नीचे से गला हुआ था, एक पोल जो नया पोल लगाया उसमें उन्होंने नई फिटिंग करी नहीं है, तो वो तार से खींचने से पोल ट्रक के ऊपर आ गया। और ये भाई हैं चंदन भाई, इनका वो इनकी भी डोरी लगी हुई थी तो वो भी उखड़ गया। बस बैक और तो की नुकसान क्या हुआ इसमें? नुकसान ये है कि पोल ट्रक के ऊपर आ गया और इनका मीटर उखड़ गया, और कोई नुकसान नहीं है। तो ड्राइवर कंडक्टर कहाँ इसके? ड्राइवर कंडक्टर आपके यहाँ बगल में बैठे हुए। ये जो हमारा लट्ठा गिरा है बिजली विभाग का, इस पे LT और LHR 37 5207 B 5207 है। और ये जो अंदर गलियों में होके ट्रक निकल रहा है, जबकि यहाँ सर्विस रोड है नहीं, और ये ट्रक हमारी लाइन से टकरा गया है और इसने पोल को हमारे पोल को घेर दिया है। और काम हमारा चालू भी है और हमारे लाइन में लगे हुए हैं, 15-20 मिनट में सप्लाई चालू करा दी जाएगी। हाँ, लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो अभी इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई पुलिस SO साहब थाना दक्षिण को हमने सूचना दे दी है और पुलिस फोर्स भी मौके पर आ गई है। तहरीर अभी नहीं, फिलहाल ही अभी मौके पर जो कॉल आई थी मेरे अज्ञात नंबर से, उससे पता चला कि हमारा पोल टूटा हुआ है। अभी मौके पर हम ही पहुँचे हैं और SO जो थाना दक्षिण के SO साहब हैं उनको भी कॉल कर दी गई है, पुलिस फोर्स भी आ गई है, अभी तहरीर नहीं दी गई है। तार नीचे था इसलिए ऊपर से लग गया उसमें। रोड पे नहीं था, इतना नीचे था, गाड़ी नहीं पास हो रही थी उसमें, नहीं देख पाया तार। कौन सा तार था? जो उधर दूध वाले दुकान में था, मीटर का। कहाँ से आ रहे थे आप? तो दिल्ली से आ रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे बैग। दिल्ली जा रहे थे? क्या क्या लोड है गाड़ी में? घी। कहाँ जा रहा है? इधर ही कंपनी में जा रहा है अंदर। गाड़ी कहाँ की है? फिरोजाबाद की। मालिक का नाम क्या है? अंकुश अरोड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? राम लखन।